बॉलीवुड एक्ट्रेस और कांस क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन के कांस पहुंचते ही उनके लुक सामने आने लगे हैं। तीसरे दिन ऐश्वर्या राय रेड कार्पेट पर शिरकत करने के लिए पहुंची तो उन्होंने अपने लुक से हर किसी को हैरान कर दिया। एक्ट्रेस ने एक हुडेड गाउन पहना हुआ था। ऐश्वर्या इस दौरान सोफी कुटोर जो कि दुबई का क्लोथिंग ब्रांड है उसका आउटफिट कैरी करते हुए रेड कार्पेट पर पहुंची। इस दौरान ऐश्वर्या की तस्वीरें सामने आते ही मिनटों में छा गई। ऐश्वर्या के लुक का जहां हर किसी को काफी बेसब्री से इंतजार था तो वहीं उन्होंने अपने लुक से सभी को चौंका दिया है। किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ग्लैमरस ऐश्वर्या राय रेड कार्पेट पर इस तरह का आउटफिट पहनेंगी। ऐश्वर्या राय बच्चन के इस लुक को सोशल मीडिया पर मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है जहां एक्ट्रेस के फैंस इसे फैशन की दुनिया में लैंडमार्क और ट्रेंड सेटर बता रहे हैं तो वहीं तमाम लोग उनके इस लुक को बुरी तरह से ट्रोल भी कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय को ट्रोल करते हुए यूजर्स ने कहा कि ये उनकी पर्पल लिपस्टिक के बाद उनका दूसरा सबसे खराब फैशन गेम है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने उन्हें बकवास फैशन एक्सपेरिमेंट ना करने की नसीहत भी दी है। हालांकि ऐश्वर्या के फैंस इसे एक बेबाक और बोल्ड फैशन चॉइस बता रहे हैं। सलमान खान इन दिनों अपनी कुछ शानदार फिल्मों को लेकर चर्चा में है और लगातार वो टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं। इस वक्त उन्होंने एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है जो कि चर्चा का हिस्सा है और इसके बाद से ही सलमान के फैंस काफी चिंता में हैं और भाई को लेकर काफी टेंशन ले रहे हैं। आखिर क्या है वजह? दरअसल सलमान की पोस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें चोट लग गई है। जी हाँ, सलमान खान ने अपनी पीठ की तरफ से खड़े होकर एक फोटो शेयर की है और उनका कहना है कि टाइगर जख्मी है। बता दें कि सलमान खान इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है, जब आपको लगता है कि आप अपने कंधों पर दुनिया का भार उठा रहे हैं तो वो कहते हैं कि दुनिया को छोड़ो, 5 किलो का डंबल उठा के दिखाओ, टाइगर जख्मी है, #Tiger3। जैसे ही उनका ये पोस्ट सामने आया तो लोगों ने इस पे कई तरह के रिएक्शंस देने शुरू कर दिए। कुछ लोग सलमान की चोट को लेकर टेंशन में हैं, तो वही कुछ फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। इस तरह लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन सलमान खान ने किसी तरह का जवाब कमेंट्स को लेकर नहीं दिया है। बता दें कि सलमान के साथ इस फिल्म में आपको कटरीना कैफ भी नजर आएंगी। वहीं इस फिल्म में शाहरुख खान भी कैमियो करते दिखाई देंगे। और आपको ये भी बता दें कि सलमान की इस फिल्म में इमरान हाशमी विलन के तौर पर नजर आने वाले हैं। डॉन फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म डॉन 3 को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। बीते दिन रितेश सिंधवानी ने पुष्टि की थी कि फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। वहीं अब इसके लीड एक्टर को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कुछ समय से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मूवी में शाहरुख खान नजर नहीं आएंगे, तो डॉन 3 में कौन सा एक्टर SRK को रिप्लेस करने जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं। रितेश सिंधवानी ने बीते दिन ये खुलासा किया था कि इसकी स्क्रिप्ट अभी प्रोसेस में है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी से बाहर होने की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया और सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। वहीं लेटेस्ट रिपोर्ट में उस एक्टर का नाम भी सामने आ गया है जिसके जरिए किंग खान को रिप्लेस किए जाने की संभावना है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो डॉन के मेकर्स ने तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए रणवीर सिंह को फाइनल कर लिया है। वहीं रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि कास्टिंग में बदलाव की जानकारी शाहरुख खान को पहले ही दी जा चुकी थी। हालांकि ये महज एक रिपोर्ट है और अभी भी इस पर ऑफिशियल मुहर लगाना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शाहरुख खान के जाने के बाद डॉन 3 के मेकर्स एक पॉपुलर एक्टर की तलाश में थे जो डॉन की विरासत को आगे ले जा सके और फिर रणवीर सिंह याद आ गए। बॉलीवुड में जमाने से कई सेलेब्स के लव अफेयर की कहानियां मशहूर रही। ऐसे में रवीना टंडन और अक्षय कुमार की लव स्टोरी भी काफी पॉपुलर रही। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस पर खुलकर कभी बात नहीं की, लेकिन अब इतने सालों बाद रवीना ने अपनी लव स्टोरी पर चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें कि रवीना टंडन और अक्षय कुमार ने 1994 की हिट फिल्म मोहरा में एक साथ काम करने के बाद 1995 में डेटिंग शुरू की। रवीना के मुताबिक उनकी सगाई 90 के दशक के अंत में हुई थी। बाद में उन्होंने इसे क्विट कर दिया और दोनों का रिश्ता टूट गया। एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि उनके पिछले टूटे हुए रिश्ते के बावजूद वो अभी भी अक्षय के साथ एक अच्छा रिश्ता शेयर करती हैं। रवीना टंडन 90 के दशक के अंत में अक्षय कुमार के साथ एक बेहद सीरियस रिलेशनशिप में थी।
एक नए इंटरव्यू में रवीना टंडन ने कहा है कि वो दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, अक्षय और मैं अभी भी दोस्त हैं, आपको इसका सम्मान करने और आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचती हूँ, मुझे लगता है कि वो हमारे इंडस्ट्री के सबसे मजबूत पिलर्स में से एक है। अक्षय कुमार से ब्रेकअप के बाद उन्हें डेट करने वाली शिल्पा शेट्टी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए रवीना ने कहा कि शिल्पा और मैं करीबी दोस्त बन गए हैं। कुछ चीजें हैं जो हमें आपस में जोड़ती हैं, ऐसे अनुभव हैं जिन्होंने हमें एक साथ बांधा है। शिल्पा और शमिता मेरे पति के करीबी दोस्त रहे हैं, हम अपने अच्छे समय और बुरे समय को एक साथ शेयर करते रहते हैं।